यू गाइस अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अ रेसिपी ऑफ जूस, मतलब शरबत। शरबत बनाएंगे आज हम कैरी का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है गाइस कराची में, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी है कि बारिश होने वाली है, बट बारिश हो के नहीं दे रही कि गर्मी जाए। तो गाइस क्या बोल रही हूँ मैं यार, तो चलो गाइस चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से, ये सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये कच्ची कैरी का मज़ेदार सा शरबत मसाले के साथ। तो गाइस ये शरबत ज़रूर पीना, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और ये आपको लू से बचाएगा, और इसके बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप इन्जॉय करना। तो चलो गाइस सबसे पहले मैंने ले लिए हैं कच्चे आम, यानी कि कच्ची कैरी, और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे पहले। तो ये बास्केट में मैं डाल रही हूँ, और इसके बाद हमने इसको वॉश कर लेना है अच्छे से, और फिर काट लेंगे इसको अच्छे से जल्दी से, और इसके जो छिलके रिमूव कर दिए हैं मैंने, और सीड जो थी इसके अंदर वो भी रिमूव कर दी है, और इसको अच्छे से पील ऑफ कर दिया, और ये मैंने थोड़ी सी सेपरेट रख दी है ताकि इनमें मसाला छिड़के कम, और ये बाकी की जो है मैंने इनको बॉयल करके फिर इसका जूस बनाना है। तो गाइस पहले हम इसको रखेंगे पॉट में, और इसके ऊपर शुगर डाल देंगे, एज रिक्वायर्ड शुगर मैं डाल रही हूँ गाइस, एज रिक्वायर्ड वाटर मैं डाल रही हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, आप दे सकते हैं, बस इसका एक शीरा सा हमें चाहिए, मतलब कि बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो गाइस ये देखो ये बॉयल हो गई बहुत जल्दी, ये कच्ची कैरी बहुत होती है, बस सख्त है बट हो जाती है बॉयल जल्दी जल्दी से। तो गाइस ये देखो मैं चेक भी कर लेती हूँ, एंड आई थिंक ये हो चुकी है, और अब मैं टाइम है कि मैश कर दें, तो चलो गाइस टाइम टू मैश। तो गाइस इसको अच्छे से जल्दी से मैश करेंगे, कुछ लोग इसको ब्लेंड भी कर लेते हैं, मैं कहती हूँ यार बॉयल करने के बाद ब्लेंड करने का क्या फ़ायदा, अच्छे से मैश करो, और बस टेक्स्चर आता है ना गाढ़ा गाढ़ा सा, वो इन्जॉय करो शरबत में। तो गाइस इसको मैंने एक जग में डाल दिया है, जग में जो हमने मैश किया था, पानी। तो गाइस ये थोड़ा सा चिल्ड वाटर है, बिल्कुल ही चिल्ड वाटर डालना है, क्योंकि ये जल्दी ठंडा नहीं होने वाला फिर। तो पहले से चिल्ड वाटर मैंने डाल दिया है, और इसके साथ थोड़ी सी आइस क्यूब वगैरह भी हम ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले ये पानी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर शुगर जो मैं डाल चुकी हूँ एक्स्ट्रा हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो चलो मिक्स हो रहा है, और उसके बाद हमें क्या करना है, सर्विंग करेंगे, और सर्विंग का एक तरीका है, और उस पर हम डालेंगे चटपटा सा मसाला। तो पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है गाइस, एंड इसमें पीने की बात ही और होती है यार, कैरी का जूस जो मैंने इसमें सर्व कर रही हूँ, और बहुत से लोग वाइन ग्लास वगैरह जो नॉर्मल ग्लास होते हैं उनमें भी डाल सकते हैं, तो पहले तो मैं इसमें पीऊँगी, तो मैं इसी में सर्विंग के लिए निकाली है, और मैंने इसमें आइस क्यूब डालना स्टार्ट कर चुकी हूँ। एज यू कैन सी गाइस ठंडी ठंडी सी बर्फ़ और मज़ा आ रहा है देखकर एकदम, और इसके ऊपर हम डालेंगे एक मज़ेदार सा रॉक सॉल्ट। चलो गाइस पहले आइसक्रीम हो गई, और हम डालते हैं रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, एंड इससे अच्छा फ्लेवर डालना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, थोड़ा वाटर भी डाल लो तो मसला नहीं है, रॉक सॉल्ट अपनी खानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके फायदे शुरू हो गए कैरी की शरबत के फायदे, ट्राई करो और अपने आपको लू से बचाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ साथ अगर नहीं किया है तो, और जो लोग न्यू हैं इनको मोस्ट वेलकम, तो स्टे कनेक्टेड रहना गाइस। और ये हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है, थोड़ा सा मैं वाइन ग्लास में बना लेती हूँ यार, क्योंकि जो घर वाले हैं तो वाइन ग्लास में पीएंगे। तो ये आ गए पहले आइस क्यूब्स, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, प्यारा लग रहा है देखो, मज़ेदार सा ठंडा ठंडा शरबत है कैरी का, और ये गया मसाला। तो गाइस ये है मसाला, मतलब कि रॉक सॉल्ट वही जो हमने पहले इसमें डाला था और अब इसमें डाल रही हूँ। तो चलो गाइस ये रहे इसके बेनिफिट, स्क्रीन पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे कि बॉडी में फ्लूड्स वगैरह भी बैलेंस करता है, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसके लिए हैं। तो गाइस इसी बात पे एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।